वेलकम फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। नमस्ते फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, मतलब जो आपको यूट्यूब पे दिखाते हैं कि मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट, इतना लॉस, मतलब जो आपको PNL आपको लाइव दिखाते हैं यूट्यूब पे, वो उसके बारे में हम देखेंगे कि उनमें से कौन सा प्रॉफिट रियल है और कौन सा प्रॉफिट फेक है, मतलब कौन फेक प्रॉफिट दिखा रहा है। तो वो हम आज के वीडियो में देखेंगे कि उससे आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि कौन ट्रेडर जेन्युइन है और कौन ट्रेडर फेक है, और उससे आपको ये पता चलेगा कि आपको किसका, अगर आपको समझो क्लास करना होगा या फिर कोई कोर्स लेना होगा या फिर ट्रेनिंग लेनी होगी शेयर मार्केट के रिलेटेड, तो आपको आसानी रहेगी कि किसके पास हम जेन्युइन ट्रेडर के पास हम सीखने के लिए जाए। तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे कि किसका प्रॉफिट रियल है और किसका प्रॉफिट फेक है। ये दोनों हम, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो आपको समझ में आएगा कि आगे से कि कौन सा प्रॉफिट है जो रियल प्रॉफिट दिखा रहा है और कौन है जो एडिट करके या फिर कोई और टूल यूज़ करके फेक प्रॉफिट बना रहा है, मतलब फेक प्रॉफिट से व्यूज़ बढ़ा रहा है या फिर मतलब अपना कोर्स बेच रहा है। तो ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आप कोर्स ज्वाइन करने वाले हो या फिर किसकी ट्रेनिंग लेने वाले हो, तो आपने उनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना है। मतलब एक दिन का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उनका नहीं देखना, कम से कम उनका 3 मंथ्स मिनिमम मिल जाए, तो अगर मिल जाए आराम से तो 6 मंथ या फिर 1 ईयर, इतना अगर आपने कंटिन्यू प्रॉफिट, मतलब कंटिन्यू वो प्रॉफिट कर रहे होंगे जो भी आपको सिखाने वाले हैं, कंटिन्यू 2 मंथ का, 4 मंथ का, 1 साल का अगर उन्होंने आपको PNL दे दिया और उसमें आपने चेक किया कि सच में कि ये ट्रेडर प्रॉफिटेबल है पिछले साल से या फिर 6 महीने से, 8 महीने से, अगर कोई भी प्रॉफिट कर रहा है तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, वो जेन्युइन है। अगर कोई आपको प्रॉफिट PNL स्टेटमेंट दिखाने के लिए आपको इनकार कर रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा संभल के रहना। मतलब आपको PNL नहीं दिखा रहा या फिर किसी एक दिन का या फिर हफ्ते में एक दिन का या फिर महीने में 2-4 महीने में एक दिन ऐसे दिखा रहा है, तो वहाँ पे आप बिल्कुल अलर्ट हो जाओ। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको पता होगा कि अगर हम प्रॉफिट देखते हैं, अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करूँ, इक्विटी की नहीं, अगर इक्विटी में होगा तो 0.23, 23, 25, 28, 0.28 ऐसा, मतलब पॉइंट के बाद ये नंबर है ना, ये 0 और 5 के अलग, 5 के सिवा अदर भी आता है। अब अगर आप इक्विटी ट्रेड करोगे तो कैश मार्केट, और अगर आप ओनली फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हो तो वहाँ पे 0 और 5, इसके अलावा कोई अलग डिजिट नहीं आना चाहिए। ऐसा मतलब ये बहुत बीच में चल रहा था कि इसका 3 कैसे आया, इसका 8 कैसे आया, मगर समझो अगर प्रॉफिट है तुम्हारा 20,000.05 या फिर 22,000 समझो प्रॉफिट है और 22,000.03, अरे ये ज़्यादा हो गया, 22,000 या फिर 20,000 पकड़ लेते हैं हम, और उसके बाद 10 आया या फिर उसके बाद 20 आया और या फिर 25 आया, तो ये करेक्ट रहेगा। और अगर यहाँ पे कोई 20,000 पॉइंट अगर 36 आ गया, 38 आ गया, तो आप इस पर बिलीव नहीं करते। तो ये मैं आप लोगों को अभी डिक्लेयर करने वाला हूँ कि उन लोगों पर आप ट्रस्ट कर सकते हो क्या नहीं। तो कुछ पहले मैं आप लोगों को प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो 1,76,763.13 इतना प्रॉफिट है, मतलब ये 0 और 5 से अलग आ गया। ये देखो ये लास्ट वाला डिजिट, तो इस पर बहुत से लोगों के डाउट रहते हैं कि ये 5 या फिर 0 ही आना चाहिए। अगर ये फ्यूचर की बात, ये फ्यूचर है इसलिए हो सकता है, ये मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन FNO ऑप्शन में तो यहाँ पे बस 0 या फिर 5 आना चाहिए ऐसा आपका ये रहता है, मतलब ऐसा आपको बताया गया है। तो मैं आपको नेक्स्ट वाला ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये ऐसा आना चाहिए, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में कर रहे हो तो यहाँ पे 85, 90, 25, 80, 85, 70 ऐसा आएगा, तो आप बिलीव कर सकते हो। और अगर यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे 3, 0, 3 या फिर 13 या फिर 68 ऐसा आया, तो आप वहाँ पे बिलीव नहीं करते। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये यहाँ पे कुछ तो उनका सिस्टम का एरर समझो या फिर क्वांटिटी की वजह से वो एरर आ सकता है, तो इसमें डरने वाले की कोई बात नहीं है। यो जो आगे वाला प्रॉफिट दिखाया है ये भी जेन्युइन ही है, मतलब यहाँ पे कोई एडिट या फिर ये नहीं है कि ये 3 कैसे आ गया, 0 या फिर 5 आना चाहिए, तो उसकी कोई ये नहीं है होती, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है। अभी मैं आप लोगों को मेरा एग्जाम्पल देता हूँ।
अभी मैं यम स्टॉक ओपन करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस है और उसमें कैसे यहाँ पे लास्ट डिजिट में क्या आ गया। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से उनका यहाँ पे 3, 8, 6 ऐसा आता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। मैंने एक या फिर दो ही लॉट ट्रेड किया है और उसमें भी यहाँ पे वो एरर आया है, या फिर एरर बोलो या फिर कोई उसका कैलकुलेशन। तो अभी मैं यम स्टॉक ओपन करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरा क्या हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब वहाँ पे 3, 4, 6 क्या आया है वो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप सबसे पहले मैं आप लोगों को पोजिशंस दिखाता हूँ, मतलब ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं ऑर्डर पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर देखो ये मेरे ऑर्डर है, 20 ऑर्डर हुए हैं टोटल और उसमें के 2 कैंसिल है। ये देखो ये कैंसिल है ये वाला और उसके बाद और एक कैंसिल है ऊपर आएगा वो, यहाँ पे देखो ये कैंसिल है। तो आप इसका कैलकुलेशन करके स्क्रीनशॉट लेके आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को पोजीशंस दिखा देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पोजीशन ओपन की है और यहाँ पे देख सकते हो 1023.76, मतलब ये 0.76 कैसे आया ये आप पूछ रहे होंगे कि 76 कैसे आया है। वहाँ पर तो 5 या फिर 0 ही आना चाहिए ऐसा आपको पता होगा, या फिर लग रहा होगा ये फेक प्रॉफिट है। ये आपको लग रहा होगा कि ये आपको आपने ये यहाँ पे फेक लॉस दिखाया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये फेक नहीं है। अगर आप चाहो तो आपको मैं आपको इसका कॉन्ट्रैक्ट नोट भी दिखा सकता हूँ। अगर नीचे मुझे कमेंट करोगे कि आप लोगों को अगर कॉन्ट्रैक्ट नोट इसका देखना है कि 76 का 0.76 ऐसे कैसे आया, इसका अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट देखना है तो आप नीचे कमेंट करो, और ज़्यादा कमेंट आए तो मैं आप लोगों को इसका कॉन्ट्रैक्ट नोट भी दिखा दूंगा। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि आप यहाँ पे ये मत करो, यहाँ पे शक मत करो कि 1023.76 आया या फिर 73 या फिर 84 ऐसा आया, तो आप यहाँ पे शक मत करना, क्योंकि ये ऐसा एक एक बार आ सकता है। यहाँ पे देखो 26 आया है, उसके चलते यहाँ पे ये 76 हो गया। और आपको मैंने यहाँ पे ऑर्डर भी दिखा दिए है कि क्या क्या ऑर्डर है, पोजीशन है, उसका आप कैलकुलेट करके आप यहाँ पे निकाल सकते हो कि कितना आया है। और अगर नीचे कमेंट मेरे को आएगा तो मैं आप लोगों को इसका कॉन्ट्रैक्ट नोट भी दिखा दूंगा। और अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करने ही है, मतलब आपको कोर्स करना ही है ट्रेडिंग के रिलेटेड या फिर किसी अच्छे ट्रेडर का या फिर कोई यूट्यूबर का, तो उसका कम से कम 6 मंथ या फिर 3 मंथ्स का कम से कम उसका PNL चेक करो और आप क्लास ले सकते हो उसके पास से। जो भी आपको सिखाने वाले रहेंगे उनसे आप कोर्स ले सकते हो। अगर वो 1 मंथ या फिर 1 डे 2 डे इतना ही PNL आपको वो दिखा रहे होंगे, या फिर किसी एक दिन ट्रेड करके आपको दिखा दे रहे होंगे कि ये देखो मैंने आज इतना 5000 का प्रॉफिट किया, 5 लाख का प्रॉफिट किया, 20,000 का प्रॉफिट किया, तो उन पे आप ट्रस्ट मत करना। उनसे बोलना कि कंटिन्यू 3 मंथ्स तो मिनिमम आपको प्रॉफिट देखना है, उनका मिनिमम 3 मंथ्स तो चाहिए ही चाहिए उनका PNL, तभी उनका आप कोर्स यहाँ पे ज्वाइन करो। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।